आज अपनी पुरानी आदतों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। और मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे वैलेंटाइंस डे पास आएगा, लव लेटर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और उसका बड़ा कारण ये है कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद आनी बंद हो गई है। और जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव के अंदर जहां पर जनसंघ की नींव रखी गई, जिस दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अंदर जहां जनसंघ की नींव रखी गई, वहां से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने निकाला है, ये बात साफ होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अब सीधा झगड़ा दिल्ली के लोगों से है। अब ये मामला आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गया, अब ये मामला रह गया है भारतीय जनता पार्टी बनाम दिल्ली के लोग। और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर अगर दवाई मिल रही थी तो उसका बजट रोक दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज हो रहा था तो डॉक्टरों की तनख्वाह के पैसे रोक दिए गए, बुजुर्ग लोगों की, गरीबों की पेंशन कई कई महीने तक रोकी जा रही है, विधवाओं और विकलांगों तक की पेंशन कई कई महीने तक रोकी जा रही है, जल बोर्ड को पैसा छह छह महीने तक रोका जा रहा है, अस्पतालों के अंदर दवाइयों में पैसे को बार बार रोका जा रहा है, और हर तरीके से दिल्ली वालों को परेशान करने की और दंडित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है।